हाँ अब बोल रहा हूँ, ठीक है? नमस्कार, जी नमस्कार जी। ठीक है। उसे मेरे बोलने के ढंग में भी कोई गड़बड़ी है, ऐसी बात नहीं है। मैं जरा शब्दों को चबा चबा के बोलता हूँ, ना मुझे नहीं ठीक है, बता कोई रहा। कोई बात नहीं। जी। अब तो अभी चाय नहीं हाँ पीऊंगा, बाय। तो ऐसा नहीं है कि कबीर के प्रति मेरे मन में श्रद्धा कम है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गुरु और आचार्य के साथ साथ देवी ने तो कबीर पर काम किया है, और वो तो अप्रतिम काम है हिंदी में कबीर वाला, है ना? तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अवध का हूँ। अवधी मेरी बोली है, और मेरे गांव में दो चीज है। एक तो मुहर्रम में मरतिया, और तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, जो उसका पाठ जगह जगह होता था। हफ्ते में एक दिन दो दिन। अब मेरे घर के सामने जो पुजारी बाबा रहते थे, तो उनके यहाँ हफ्ते में मंगलवार को और शनिवार को दो दिन लोग शाम को इकट्ठा होकर के और रामचरितमानस का पाठ करते थे। इस पाठ करने के अलावा वहाँ जो लोग थे, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, अनपढ़ लोग हों, बात बात में तुलसीदास को उद्धृत करते थे। तो वो ऐसा लगता था जैसे जो हमारी बोली है, उस हमारी बोली के ही एक हिस्सा है तुलसीदास की पंक्तियां, तुलसीदास की कविताएं। तो इसलिए वो कोई श्रद्धा और आदर या कवि रूप में तुलसीदास को उतना, वो तो बाद में जाना हमने। हमारे रक्त में तुलसीदास की कविताएं डूब गई, और वो संस्कार में डूब गई तुलसीदास की कविताएं। तो इसलिए, और जब मैं काशी आया, तो काशी में द्विवेदी जी का एक भाषण सुना तुलसीदास पर। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे सामने तुलसीदास का वो रूप नहीं था जो उस दिन द्विवेदी जी के भाषण द्वारा उद्घाटित हुआ। वो ये कि तुलसीदास की कविता में गरीबी का अनुभव बहुत है, बेरोजगारी का बहुत है, और भूख का बहुत है। वो उनका जो अनाथ बचपन है, इसका बहुत है। तो ये सब जब पढ़ा मैंने, तो क्योंकि मेरा अपना जीवन भी विद्यार्थी के रूप में बहुत साधनहीन था, मैंने भी भूख और उपवास का अनुभव बहुत ज्यादा किया था। तो तुलसीदास के व्यक्तित्व के प्रति जो आकर्षण इतना मेरे मन में आया, वो उनके कारण नहीं आया, बल्कि जो भूख है, बेरोजगारी है, रोग है नाना प्रकार के, अकाल जो पड़ा हुआ है, तो शायद इसके कारण तुलसीदास के व्यक्तित्व के प्रति और कालांतर में उनकी कविताओं के प्रति मेरे मन में एक आत्मीयता पैदा हुई। और बाद में फिर जब पढ़ा लिखा, तो उनका जो काव्य है, काव्य कौशल है, जो काव्य उत्कर्ष है, वो भी सामने आया। और एक कारण ये भी हुआ कि मैं जब MA कर रहा था, तो गांव में जाता था, तो हमारे गांव में नहीं बल्कि हमारे दीवार में MA पढ़ा हुआ कोई भी था, तो उस पूरे दीवार में एक तरीके से मैं था कि भाई ये पढ़ा हुआ रहता है, पढ़ता है, पढ़ता पढ़ता है, तो लोग कहते थे। तो
तो पिताजी ने एक दिन बिल्कुल जैसे चुनौती के तौर पर कहा, ये थे कि पढ़े नहीं थे ज्यादा, दर्जा ये तक पढ़े थे, लेकिन तुलसीदास उनको लगभग कंठस्थ थे, थे तो तुलसीदास पढ़ते पढ़ते या गाते गाते रोने लगते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने हम सुना है कि तू पढ़े लिख गए हुए बहुत जगह, लोग कहा था बहुत पढ़ लिख गए हुए, तो कहो गोसाई जी पर कुछ लिखो तो हम समझे की कक्षा पढ़े हो। तो ये तुलसीदास की किताब मैंने गांव में लिखी है बैठ करके पिताजी को पढ़ने के लिए। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो ये इसका कोई वो कोई तुलसीदास पर कोई वो नहीं है वो वो, पर याद है मुझे कि द्वारिका साहू के यहाँ से एक दस्ता कागज मंगाया और सेठा का कलम बनाया और दबाक बोर बोर के सबसे पहले कलयुग और रामराज वाले पेट पर लिखा और दादा को सुनाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है और तो ये किताब पिताजी को पढ़ने के लिए लिखी गई है। ये किताब उस रूप में नहीं लिखी गई है जैसे कोई साहित्यकार लिखता है कोई और ऐसा है। तो इसलिए तुलसीदास कबीर पर मैं लिखना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि कबीर पर लिख करके तब मरूंगा। तो कबीर के प्रति तो बहुत है मेरे मन में और मैंने यहाँ कबीर पढ़ाता था यहाँ एमए में जो अध्यापक के रूप में मैं तुलसीदास नहीं पढ़ाता था कबीर ही पढ़ाता था। और ठीक है जैसे संतुष्ट होते थे कबीर पढ़ाने को मेरे कबीर मेरे बड़े बहुत ये कभी है वो कभी कोई मौका मिलेगा या कोई तो दोनों के बीच में जब तुलनात्मक आप सोचते हैं आप चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं लोक वेद की तरफ ले जाते हैं भक्ति मार्ग की तरफ ले जाते हैं वहाँ अज्ञान है और कबीर जो है ज्ञान मार्गी है। यह बहुत सवाल बड़ा सारी बातों के बाद मैं आपको ये बताता हूँ निर्भय जी कि ये जो हमारे मध्यकालीन भक्त कवि है ना इनमें ये बहुत मैं ये बहुत ईमानदार कवि इनका जो अपना अनुभव है जो व्यक्तिगत अनुभव इनका है उस व्यक्तिगत अनुभव को ये झुठलाते नहीं है और इससे इनकी कविता में जो धार आती है वो अप्रतिम है। देखो कबीर तुलसी मीरा तुलदास ये चारों भक्त कवि बड़े कवि हैं लेकिन इन चारों की कविता की अपनी विशेषताएं हैं। आप तुलसीदास को कबीर से कबीर को मीरा से तुलदास को कंफ्यूज नहीं कर सकते। आप कविता पढ़ेंगे पढ़ते कहेंगे नहीं तुलसीदास का है तुलदास का है कबीर का है। तो इनकी अपनी जो ऐसा करो इनकी जो अपनी निजता है इन कवियों की अपनी जो निजताएं हैं वो सुरक्षित हैं इनकी कविता में और सुरक्षित नहीं है उनकी धार उसमें मौजूद है। वो धार क्या है देखो कबीर जोलाहा थे तो वो जो उनका जोलाहापन है वो उनकी कविता में समाया हुआ है कदम कदम समाया हुआ है। वो वर्णाश्रम व्यवस्था का जो कज की जो यात्रा है वो कबीरदास में सही थी। वो केवल ये नहीं था केवल उनकी केवल साधना के रूप में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी बल्कि वर्णाश्रम व्यवस्था उनके व्यक्तिगत अनुभव था। तो उस व्यक्तिगत अनुभव को झुठलाया नहीं और कबीरदास ने वर्णाश्रम व्यवस्था का क्यों कबीरदास ने वर्णाश्रम व्यवस्था कही थी
उसकी यात्रा कही थी, उन्होंने उसका बेहोश किया, वाराश्रम जाने से विरोधी हुए। तुलसीदास की बात थोड़ी बात से करता हूँ मैं। मीराबाई की भक्त, लेकिन मीराबाई का भक्ति भक्ति है वो इस देश की एक नारी की भक्ति है। वो हमारे हिंदू समाज में मध्यकालीन नारी की जो यातना है उसके साथ वो भक्ति है। अबला लोकला साधु बैठ बैठ लोक लाज लोई राणा भगत संघारा, अब तो बात फैल गई मेरे प्रिय को। मीराबाई ने लिखा कि आधी रात प्रभु दर्शन देना प्रेम नदी के तीरा, है ना। ये बताओ कि आधी रात को दर्शन क्यों दे रहे हैं मीराबाई को? सूरदास तुलसीदास को तो आधी रात को दर्शन नहीं दे रहे हैं, मीरा को आधी रात को दर्शन दे रहे हैं। इसलिए आधी रात को दर्शन दे रहे हैं, उसको याद करो तुम महादेवी से कि मेरे प्रिय को भाता है सबके पर्दे में आना। वो नारी है, मैं तो घुस गई लाज की मारी रे, देखी गिर आवत गलियन में के घारी। तो मीरा भाई की जो भक्ति है वो इस देश के एक मध्यकालीन नारी की भक्ति है। अब अपने रह गए तुलसीदास जी बाबा, तो बाबा तुलसीदास पूर्णिया बाबन थे। सुन रहे हो सर? पूर्णिया बाबन दरिद्र बाबन है, खाना पीना मिलावला नहीं था, और बचपन से बचपन में ही देखा चार चनक जो मिल जाते थे तो समझता था कि चारों पदार्थ मिल गए, घर बार काम मौका मिल जा। और लाले थे बाले थे ललाट भी ललाट द्वार द्वार दीन जानत हो चार प्रचार ही चनक को। तो तुलसीदास के जो राम तो है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सर्व रूप वासी राम मृग श्रेष्ठ बंदा सब है। लेकिन ऐसे ही से तुलसीदास के राम गरीब निवाज, तुलसीदास के राम को जब भरत ने चित्रकूट में देखा तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ण मिल गया हो, जैसे भूखे को अन्न मिल गया हो। जब जब तुलसीदास का कोई पात्र आद्यंत पूरी कविता में जब मदन होता है, प्रसन्न होता है, पोलित होता है, तो खर से तुलसीदास को भूख ज्यादा थी। इसलिए ये जो भक्त कवि हमारे हैं, ये भक्ति कवि फैशन में या वो विचारधारा वाले हैं, भक्ति अपने के अपने विचारधारा है वो, और वो फ्यूडल विचारधारा है। भक्ति इतिहासकार बताते हैं कि भक्ति जो है वो सामंती विचारधारा है, फ्यूडल विचारधारा है। तो कबीर के राम भी बादशाह हैं, कबीर के राम भी शहंशाह हैं, लेकिन ये है कि उस विचारधारा में जो अपना उनका अनुभव है, जो व्यक्तिगत यातना उनकी है, उन्होंने जीवन को जिस रूप में पाया है उसी रूप में उन्होंने अपने इष्ट को निर्मित किया है, और उसी सांचे में उनकी भक्ति उनकी प्रार्थना उनकी कविता डाली हुई है ये। और इसमें तुलसीदास का समर्थन करने की, तुलसीदास का बचाव करने की, तुलसीदास को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी अपनी सीमाओं में रह करके अपनी सीमाओं को बदलने की कोशिश करता है। तो क्या इस आधार पर तुलसी की भूमिका जो है संदिग्ध हो जाती है? किसकी? तुलसीदास की भूमिका क्या इस आधार पर संदिग्ध हो जाती है नवजागरण के, भारतीय नवजागरण को लेकर? नवजागरण जो नवजागरण है हमारे हिंदू समाज का, जी जी, अब ये तो तुम तो जानते हो गए कि खुद उस नवजागरण की सीमाएं बहुत अब लोगों ने बताई हैं, बड़े उजागर की हैं।
उस नवजागरण की भी सीमाएं लोगों ने बताई है ना। आखिर भारतेंदु की सीमाएं बताई है नहीं बताई गई? भारतेंदु को क्या कुछ लोगों ने कहा नहीं है कि वो मतलब कि वो हिंदुवादी हैं? भक्ति तो भारतेंदु ने भक्ति पर कितना लिखा है, और इसलिए वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले थे। तुलसीदास के वो जो वक्तव्य हैं, जो दुर्भाग्यवश बहुत प्रचलित हैं, वो निंदनीय हैं। मैं तुलसीदास का अथक प्रशंसक अपने को मानता हूँ। तुलसीदास को हिंदी का मैं सबसे बड़ा कवि मानता हूँ कवि रूप में। लेकिन तुलसीदास की बल सीमाएं हैं, वो जो वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के उनकी कविताएं हैं, पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां निंदनीय हैं। तुलसीदास की अगर कोई वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए उनकी आलोचना करता है, निंदा शब्द तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है इतने बड़े तर्क के लिए, लेकिन जो आलोचना कोई करता है, बल्कि निंदा भी करता है, तो वो मुझे उचित लगता है, मुझे खराब नहीं लगता है। तुलसीदास की जो वर्णाश्रम व्यवस्था, जो उनकी विचारधारा है, उस वो आलोच्य है, उसकी आलोचना की जानी चाहिए। वहां पर तुलसीदास का समर्थन करने की या उनको बचाने की जरूरत मैं नहीं समझता। लेकिन उनके अंदर जो नवजागरण भाव है उसके बारे में कुछ कहें। अब देखो, नवजागरण भाव कैसे जो सबसे बड़ी बात है, आंख खोल देने वाली, एक चीज कर तो ऐसा करता हूँ निर्भय ना बेटा, इसको मैं इसको दूसरे रंग से देखना चाहता हूँ, वो नहीं बात। हमारे हमारा जो नवजागरण है, स्वाधीनता आंदोलन में हमारे सबसे जो महानायक हैं वो महात्मा गांधी हैं, है ना? अच्छा, अब तुम महात्मा गांधी को अगर देखो तो एक और तो महात्मा गांधी जो रहा है तो उनका वास उनका वक्तव्य है कि आई एम ए वीवर। महात्मा गांधी ने कहा आई एम ए वीवर, चरखा चलाते थे ना। सीधे कबीरदास का उत्तराधिकार जैसे प्राप्त हो गया हो महात्मा गांधी, और दूसरे रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो ये अजीब बात है कि जो नवजागरण का फल है हमारे भारतीय इतिहास को, स्वाधीनता आंदोलन और बाद में हमारी आजादी, वो नवजागरण की विचारधारा, स्वाधीनता आंदोलन, वो सब तो महात्मा गांधी के रूप में कबीर और तुलसीदास के साथ लेकर चलती है। और फिर करो कि हमारा जो पूरा भारतीय मानस है, उस मानस में अगर बेरोजगारी को दूर कर दिया जाए, भूख को दूर कर दिया जाए, सुंदर व्यवस्था दैविक भौतिक तापा को दूर कर दिया जाए, जो महामारी का वर्णन तुलसीदास ने किया है, मुझे ये जो कोविड लगा है तो तुलसीदास का मुझे महामारी का वर्णन याद आ रहा था। जीविका विहीन लोग, एम्प्लॉयमेंट जीविका विहीन लोग, असल में तुलसीदास का वो ऐसा विशद कवि है, जीवन की स्थितियों को इतने व्याप्त है तुलसीदास में, भूमि की, काव्य भूमि की, रसप्रबंध भूमि की, कि वो तुलसीदास का चक्कर है। और कभी तो देखिए, पूरा जो हमारा आंदोलन है, ये उससे कोई बात नहीं होगी तुलसीदास ने कि महात्मा गांधी ने चरखा हमारा प्रतीक बन गया स्वाधीनता आंदोलन का। तो इसलिए ये ठीक है, जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, जहाँ तक आलोचना का सवाल है, विचार करने का सवाल है, वहाँ हम तुलसीदास कबीर एक भक्ति आंदोलन की, भक्ति काव्य की जो सामान्य धाराएं हैं उस पर भी बल देते हैं। हम दोनों में समानता ही बहुत है, और जहाँ दोनों में विषमता है, वो विषमता उनकी कविता की विषमता है, उनकी कार्य भूमि की विशेषता है, और वो वस्तुता अंततः वो भारतीय सामाजिक इतिहास की विषमता है।
ऐसे देखना मैं इसको भी समझता हूँ। तो आपकी दृष्टि से तो लग रहा है कि तुलसी की अधिक भूमिका रही है भारतीय नवजागरण में जी, मैंने आप जो कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि तुलसीदास की अधिक भूमिका रही है भारतीय नवजागरण में। रही है, बहुत रही है जी, तुलसीदास की भूमिका जी बहुत रही है। अरे तुलसीदास की भूमिका राम राज तुलसीदास का भी वहां मंत्र है भाई। और जहाँ तक वर्णाश्रम के लिए उनको हम अगर कहते हैं कुछ उनकी आलोचना होनी चाहिए तो वो तो यह भी लिखते हैं ना कि अतिशय अगर करे सो कोई अनल प्रकट चंदनते हुई। तो जब अतिशय अगर ऐसी बात वो लिख रहे हैं तो वर्णाश्रम किन के लिए कह रहे हैं ये भी तो थोड़ा बुझे है। बहुत से सवाल ऐसे किए जाते हैं समझे नहीं, वो आप भी कर रहे हो जी, जानते हुए उत्तर सवाल किए जाते हैं कि भाई बात को आगे कैसे बढ़ाई जाए। देखो अच्छा ऐसा है कि जिस आदमी ने इतना विषयों पर लिखा है इसके पास है तो क्योंकि जीवन में कंट्रडिक्शन है, जीवन में सेल्फ कंट्रडिक्शन है ना। तो वो जब जीवन का वर्णन करने वाला कोई कवि होता है तो उसकी तुलसीदास की एक कविता को लेकर के तुम तुलसीदास की दूसरी कविता का विरोध कर सकते हो, है ना। तो एक तो एक यह भी लेते हैं कि जैसे कुछ लोग जो ज्ञानी लोग अपने हिंदी में हैं जो कबीर को ज्ञान मार्ग के सबसे जो बहुत बेहतर और अग्रगामी अग्रदूत बताते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो वही वही कबीरदास कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानी तो निडर भया माने ना ही स्वंक, अच्छा इंद्री केरे बसी परा भुजे बिखे निशंक, यानी शास्त्र पोथी वाचक तथा कथित जानी तो और भयंकर तू स्थिति में रहता है, उसे लोक लोक मत का भय नहीं रहता, वो समझता है कि मुझे ज्ञानी समझकर लोक मेरे कर्मों में दोष नहीं निकालेंगे, इसलिए उसे लोक लोकपवाद का भय नहीं रह जाता और वह इंद्रियों के बस में होकर निश्चिंत भाव से विषयों का सेवन करता है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ज्ञानी तो निडर भया, तू तो निडर होने से और खतरनाक है समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को देखो, ज्ञान जो है तुलसीदास के यहाँ विध्वंसक तत्व है, संतो ज्ञान आंधी है, ज्ञान अग्नि है, ज्ञान जला देने वाला है सबको, सबको मिटा देने वाला है, क्यों। और ज्ञान मार्ग इसलिए है, गुरु की महिमा इसलिए है क्योंकि कबीरदास जो है वो जो वेद मार्ग है, जो वैष्णव मार्ग है, वर्णाश्रम व्यवस्था वाले गुरु हैं, वो जो उनके उनका दर्शन उनकी विचारधारा है उसके उत्तर में उसके विरुद्ध अपना एक मार्ग खड़ा करते हैं जो वेद विरोधी है। इसलिए वह गुरु जो जो एक परंपरा से बहुत ज्यादा मान्य विचारधारा है वो ज्ञान है वैदिक मार्ग, उसको छोड़ करके एक नया ज्ञान एक नई विचारधारा प्रवर्तन तो नहीं कहना चाहिए लेकिन उसका प्रचार कबीरदास कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ है एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो प्रतिष्ठान है वैचारिक और दार्शनिक, उसको ध्वंस करता है कबीरदास का मार्ग।
जो घर खो गए अपना चले हमारे साथ, सब कुछ समाप्त होने वाला है। लेकिन कबीरदास ने ये जो भावना और ज्ञान दोनों की साधनाओं का मेल जो कराया है, कबीरदास जो हैं वो चढ़चक्र करते हैं, पिंगला पिंगला करते हैं, लेकिन पिंगला पिंगला के साथ वो ब्रह्म से मानवीय संबंध भी स्थापित करते हैं। राम मोरा तू में राम की बहुजा, इसलिए भावना की साधना, हृदय की साधना जो भक्ति का मूल आलस है, वो कबीरदास के यहाँ है, लेकिन प्रधान है। इसलिए वो ज्ञान का जो मार्ग है चलाया हुआ गोरखनाथ वाला और पहले का, और जो ये वैष्णव जो भक्ति का मार्ग है, भावना का मार्ग है, उन दोनों का संयोग करते हैं। इसीलिए द्विवेदी जी ने कबीर के ज्ञान कहा कि वो परस्पर विरोध के रूप हैं। ऐसा भी बहुत कुछ है जो उनके यहाँ है और फिर उसी का विरोध भी उनके यहाँ मिलता है। और इस अर्थ में कबीरदास बहुत आधुनिक है। कबीरदास की आधुनिकता ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, इन लोगों के टक्कर की या उनसे कुछ आगे की आधुनिकता है, यानी नॉलेज में नहीं, नॉलेज में देखो बोध तो हम उनके इतने बात पैदा हुए हैं, लेकिन कबीरदास ना ही देख न नाही देख न जइए लाग, कुछ नहीं है संसार में सब देने वाला है। जो सराहपा ने कहा था सबसे बड़ा बड़ा इस बात को चलो कभी तुम इसे सराहपर बात सराहपा पर बात करना तो मैं करूंगा। सराहपा ने कहा कि ये शून्य तरुवर रह रहा है, जगत जो है ये तो शून्य तरुवर रह रहा है, सब शून्य है जो हमारे यहाँ का शून्य राज है, लेकिन ड्यूटी है सारी शून्य परिवर की, इसमें करुणा के फूल फूल मानवीय संबंध है। तो ये जो मानवीय संबंध है वही भावना है, उसी संबंध में कबीर ने और इन भक्तों ने भगवान को भी गठित दिया। ये इनकी स्ट्रेटजी है भक्तों की कि वो ब्रह्म से मानवीय संबंध बना लेते हैं, पारिवारिक संबंध बना लेते हैं, उस शून्य से इसी से वो जीव ब्रह्म का मिलन करते हैं। तो वो कबीरदास के यहाँ भी है और अपनी सीमाओं में कबीरदास के यहाँ भी है और अपनी सीमाओं में तुलसीदास के यहाँ भी है। कबीरदास अब मैं कबीरदास के बारे में वो बातें कहूंगा तो लोगों को ये इसलिए ज्ञानी अच्छा लेके अब जब ये तो ज्ञानी होता है जो बात आपने पहले कही थी, जब ज्ञानी उस हार्दिकता को भूल जाता है, उस मानवीय संबंधों को भूल जाता है, तो वो ज्ञान जो है वो तो नीरस हो जाता है, वो संबंध विहीन हो जाता है। तो जब ज्ञान संबंध विहीन हो जाएगा तो वो तो बुद्ध के समय में उच्छेदवादी थे, वो उच्छेदवादी थे, अकृतवादी थे कि कुछ भी करो कहीं कुछ नहीं होता है, न हन्ने के हन्ने माना चलिएगा, न कोई किसी को मारता है न कोई मारता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, तुम वो और पंखी हो जाओ, नंगे हो घूमो करो कहीं कुछ नहीं होता है। तो वो ज्ञान के इसलिए अब वो मैं अगर जाके अंडबंद करने लगूंगा तो आप कहोगे टिपिकल आइंस्टीनियन विचारधारा है कि मैं नहीं जानता कि सब क्या है किस लिए है, लेकिन एक बात मैं सिर्फ जानता हूँ कि हमारा जो सुख दुख है वो पता नहीं कितनों के सुख दुख से संबंधित है। ये जो मानवीय भावना है संबंध है उसको जब ज्ञानी भूल जाता है तो वो तो ज्ञान जो आदमी एटम बम बनाता है तो एटम तो ज्ञान का विस्तार कर रहा है, लेकिन जो डाल देता है तो वो ज्ञान का काम, वो ज्ञान का फल है वो एटम बम डाल देना, इसलिए ज्ञान। हाँ तो इसी को लेकर लगता है वो आगे भी लिखते हैं ज्ञान को लेकर कि ज्ञानी मूल गवाइया, हाँ
आपे भये करता, ताते संसारी भला मन में रहे डरता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि डायनामाइट कोई बना लेता है ज्ञान से। अब यही हुआ, वो बड़े बड़े वैसी बात है ये, इसलिए वो ज्ञान के पास साथ अगर वो वही वही चीजें, इसलिए ज्ञानियों ने किया है कि शून्य चक्र तक सीमित नहीं रहे। कबीरदास कबीरदास ने कहा कि शून्य चक्र के ऊपर एक सुरति चक्र होता है, और रति का मतलब समझ आए भैया, सुरति जो है वो स्मृति भी है, है? भूले ना सुरतिया हो तो हार, तो इसमें सुरतिया का अथिया मिला के अथिया रोमे जिन रतिया हो, भूले ना बतिया भूले ना सुरतिया कुहार, तो सुरतिया जो है शकल भी है, और सुरतिया मैंने तुम्हारी याद नहीं भूलती है, हमें क्या सुरतिया कहते नहीं है, तो वो स्मृति चक्र, इसलिए सुरत चक्र है, शून्य चक्र जहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी सब बेकार है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन नहीं कभी बात नहीं है इससे, वहीं तो रुकोगे तो विध्वंस कर दोगे, विध्वंस नहीं पॉजिटिव भक्ति, कभी एक पॉजिटिव साधना है वो। अब बहुत बोल गया हो जी जी, अब थोड़ा सा ही है, और इसी बहाने वो कहते भी हैं कि अब तुम्हारे मैं आता तुम्हारे पास ऐसा चाय वे पिला के तुम भी आप बेकार कहाँ आगे तुम वहाँ तो जी आगे आगे कहते हैं कि कबीर सब जग हेरिया मंदल कंधी चढ़ाई, हरि बिन अपना कोई नहीं देखे ठोक की बजाई। हाँ, वो तो ओपन कहते हैं, खुला कष्ट भाव से कहते हैं कि मेरे कंधे पर जो है मर्दल लाद कर चारों ओर ढोल पीट कर सारे संसार में खोजा, परंतु हरि के सिवाय कोई न मिला जिसे वास्तव में अपना कहा जा सके। तो फिर इनमें अगर हम लोग ढूंढेंगे की अगर इन्हें लोग की चिंता थी, समाज की चिंता थी, ये सामाजिक थे, इनके पास ज्ञान मार्ग ऐसा था जिसमें सब समाहित है, और ये नवजागरण के कारक हैं, भारतीय नवजागरण के कारक, तो कहाँ में ढूंढेंगे आप, जब ये कह रहे हैं कि हर बिन अपना कोई नहीं देखते ठोकी बजाई, और दूसरी तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। हाँ नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, हाँ हाँ ठीक कहते हो। तो असल में बात यह है कि ये जो देखो जो बात मैंने कहा आपसे व्यावहारिक अनुभव को ये लोग भुतलाते नहीं, तो संबंध जो है मानवीय संबंध बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, दुनिया स्वार्थ से भरी हुई, ऐसे लोग भी दुनिया में ज्यादातर होते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ मिट जाने वाला है, भाई बहन कोई नहीं रहेगा साथ में, पत्नी भी नहीं रहेगी साथ में, साथ साथ मरते दोनों नहीं है, एक समय आता है जब सब तो चले जाते हैं, सब की उसे कहते हैं निर्भय जो हमेशा बना रहे, सत्य का शब्दार्थ ही होता है एटर्नली ड्यूरेबल, अस्थि से बना हुआ है, सत्य सत माने जो रहना, और सत्य माने जो हमेशा बने रहने की क्षमता जिसमें वो सत्य है, वो है नहीं। अब आपकी किताब पर आते हैं, अब आपकी किताब पर आते हैं, हिंदी आलोचना। उसमें दरअसल हुआ क्या है कि कबीर के साथ जयशंकर प्रसाद को जोड़ा गया है। अच्छा, एक तरफ तुलसीदास और रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो भक्ति मार्गी हैं, और पुनरुत्थान ये हैं, मतलब भक्ति मार्गी हैं और लोक वेदवादी हैं, इनके पास नवजागरण का कोई इस तरह का सेंस नहीं है, तो उसका भक्ति चूंकि ये ज्ञान मार्गी हैं
और प्रसाद जी भी ज्ञान मार्गी हैं, क्योंकि वो रामचंद्र शुक्ल को बार बार याद दिलाते हैं, क्योंकि आपने अपनी किताब में जिक्र भी किया है वो रहस्यवाद वाली जो जयशंकर प्रसाद का जो लेख है कि स्वरूप विस्मरण, रामचंद्र शुक्ल को स्वरूप विस्मरण हो गया है और तुलसीदास के चलते हो गया है कि तुलसीदास की वैष्णवता में यानी भक्ति मार्ग में वो इतना डूब गया कि उनको और कुछ सूझा ही नहीं। तो अब इस दोनों जो ये मिलन रेखा है दोनों के लिए, उस पर कुछ बताइए कि आप क्या सोचते हैं, किसका किसका मिलन रेखा? एक तरफ तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरी तरफ जो है कबीर और जयशंकर प्रसाद का मेल कराया गया है। जी, ये हमने अपनी किताब में कहा है। मैं मेरा सवाल आपसे है, हालांकि आप अपनी किताब में भी कहते हैं कि किंतु इससे शायद शुक्ल जी का संदेह दूर नहीं हुआ, उन्होंने प्रसाद जी के इस कथन का उत्तर क्यों दिया, यह कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना में रहस्य मार्ग नहीं चले, योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक हैं, प्रतिभाव भूमि प्रकृत भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं, कबीर दास हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, जो आप कह रहे हैं अभी हम लोग बात कर रहे थे। वो जो मैंने कहा है ना उसको मैं मुझे दूरा उसको फिर से कहते हैं, तुमको तुम जानते हो चतुर चालाक आदमी हो निर्भय जी, और समझते हो जो समझते हो वही हमसे कहवा रहे हो, लेकिन चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। आप यहाँ जो कह रहे हैं वो कबीर के रहस्य, जी जी मैं ये कह रहा हूँ, अभी रुक जाओ थोड़ा, अब प्रसाद जाए, मैं ये कह रहा हूँ वो जो आचार्य थे अपने आचार्य शुक्ल, वो तो पूरी एक कहानी है, उसके यहाँ कहीं जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आचार्य शुक्ल को बैठा करके और घेरा गया और ये पढ़ा गया कि भाई रहस्य साधना को शुक्ल जी ने कहा कि वो भारतीय मार्ग नहीं है कविता में, और वो बाहर से आया तो शुक्ल जी ने वही कहा ना कि रहस्य है हमारे यहाँ, रहस्य साधना है, लेकिन वो कविता में नहीं है, वो जो है वो धार्मिक साधना में है, यही ना। तो शुक्ल जी ने ये कहा है कि जो कविता है उसका संबंध जो है वो केवल मन तक है, मैंने हृदय और मन तक है, जो साधना की उच्च भूमिया होती हैं चक्र सूर्य रंग उससे उसका कोई बहुत गहरा नहीं, किसी भी तरीका है। मैं ये कह रहा हूं उसमें, मेरा कहना यह है कि कबीर दास के यहाँ रहस्य भावना है, है साधना में है, लेकिन जो कबीरदास की भक्ति और कबीरदास की कविता होती है वो साधनात्मक रहस्यवाद को लेकर के नहीं है, सूफियों में भी रहस्यवाद है, लेकिन जो कविता है वो चाहे सूफियों की हो और चाहे कबीरदास की हो वो रहस्य भावना को लेकर के, तो रहस्य भावना में तो कविता का संबंध है लेकिन रहस्य की साधना से कविता संबंध नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि रहस्य भावना को, रहस्य भावना तो शुक्ल जी ने सुमित्रा रंजन पंत की कविता दे दी, देखी है न जाने कौन है अज्ञान जान मुझको नहीं सिहाते हो तुम पसंद जान नहीं कह सकता तुम हो कौन, तो छायावाद की छायावादी कविता में जो रहस्य है वो रहस्य भावना है, साधनात्मक रहस्य भावना जो है वो कबीर शुक्ल जी ने केवल महादेवी में देखी है।
तो इसलिए है वहां मैं ये कह रहा हूँ कि जय शंकर प्रकाश की जो रहस्य भावना है, रहस्य साधना है, वो कविता की कविता नहीं है, बल्कि रहस्य भावना जो है वो कविता की कविता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आधुनिकता, रामचंद्र शुक्ल की आधुनिकता बनाम जयशंकर प्रसाद की आधुनिकता और नवजागरण, किसकी? रामचंद्र शुक्ल और किसकी? दूसरा नाम प्रसन्न लिया, जयशंकर प्रसाद। वाह दिल भाई वाह, आपने कैसी बात नहीं, क्योंकि रहस्यवाद में, रहस्यवाद में जयशंकर प्रसाद कहते हैं। मैं इसके तैयार हूँ। जयशंकर प्रसाद जी रहस्यवाद में कहते हैं कि मेरा संकल्पित आनंद जो है कविता का, वो रहस्यवाद में ही है, आप इसको मानिए चाहे नहीं मानिए। मैं बता रहा हूँ जी, मैं जो जयशंकर प्रसाद ने ये संकल्पित रहस्यवाद कहा है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उतना नहीं जानता रहस्यवाद के बारे में। लेकिन जयशंकर प्रसाद की आधुनिकता के बारे में मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ, और मुझे थोड़ा सा 3-4 मिनट का समय दो। जी 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 जरूर कह सकता हूँ। जी जरूर जरूर। इस समय में मैं अपने, मैं एक चीज पहले कन्फेस करूँ, मैं अपनी गलती पहले स्वीकार करता हूँ कि आलोचना की किताब में मैंने बुद्धिवाद का सुधाई, लेकिन बुद्धि का समर्थन करते हुए जयशंकर प्रसाद की आलोचना की है। लेकिन ये जो पर्यावरण का संकट है, किस तरीके से पर्यावरण का संकट निर्णा भूमियों का जो विनाश हो रहा है, वही मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो कोविड आया है और ये जो पूरा पर्यावरण का संकट आया है, तो मुझे सबसे ज्यादा जिस किताब की याद आई वो याद आई रामायण। और किस तरह से रामायणी में मन वो जो प्रतीक होता है सब कुछ को अपना हत्या लेने के लिए, सर्वसत्ता बन जाने के लिए, और इरा की सहायता से सब कुछ कर लेने के लिए प्रकृति का जो विनाश होता है चिंता करते हुए, और जहाँ पर वो मन पश्चाताप करता है कि हमने अपने आप को सब समझ लिया, जहाँ पर जैसे दत्तपाल कहते हैं कि तुमने प्रकृति की सारी जो प्राकृतिक शक्तियां है उसको चूज करके तुमने क्षीण कर दिया है, ये जो हमारे समय में महाभूतों का विनाश हो रहा है, जल समाप्त हो रहा है, वायु समाप्त हो रही है, पृथ्वी समाप्त हो रही है, आकाश समाप्त हो रहा है, उसमें अगर कोई एक महाकाव्य मुझे हिंदी में याद आ रहा है तो महाकाव्य जो रामायण है। और इस हिसाब से जयशंकर प्रसाद आधुनिक, क्योंकि भी आधुनिक है। ये चेतावनी हिंदी में जितनी जयशंकर प्रसाद ने दी है उतनी किसी ने नहीं दी है। और आधुनिक मनुष्य का जो शापग्रस्त और अपराधग्रस्त रूप है, उसका अगर कोई सबसे बड़ा प्रतीक है तो मन है। जो बाद में वो मैंने बुद्धिग्रस्त शब्द बताता हूँ आपको मैं, ये मन। इसलिए जयशंकर प्रसाद कामायनी पर पुनर्विचार, बल्कि मुझे ऐसा लगता है मुझे जो कामायनी का पुनर्विचार किया है सुबोध में, वो मुझे पर्याप्त नहीं लगता है। सुन रहे हो मेरी बात ना? हाँ, सुन रहा हूँ। पर्याप्त नहीं करता हूँ, जो पर्यावरण के सामने प्रकृति का जो विनाश किया गया है
और उस पर चिंता विषयों में जो मन पश्चाताप करता है वो बिल्कुल वो तो आधुनिक मनुष्य का 21वीं सदी के मनुष्य का पश्चाताप है। किस अर्थ में जैसे आधुनिक कहे जाने वाले कवियों से कहीं बड़े और गंभीर और विशद अर्थ में आधुनिक ये मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था और अभी तक मैं कहीं लिख नहीं पाया था तो ये तुमने मुझे अवसर दिया कहने का, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।